सो हाय गाइस, तो आज हम खेल रहे हैं एक सर्वाइवल वर्ल्ड और आज हम टेम करने की कोशिश करेंगे एक थेरी जिनोसॉरस को। तो मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोल रखा था अगले एपिसोड में मैं एलोसॉरस को टेम करूं या थेरी जिनोसॉरस को, और आप लोगों ने ज्यादा वोट किया थेरी जिनोसॉरस को, तो आज मैं उसी को टेम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा हार्ड होगा उसको टेम करना, तो मैंने ऑफलाइन तो ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ ब्रोंटो को लेकर गया था वुड कलेक्ट करने बीवर डैम से, और बहुत सारे वुड कलेक्ट करके मैं चला आया वापस। और मैंने ऑफलाइन अपने आर्मर को रिपेयर किया था और टूल्स को भी रिपेयर किया था मैंने, और यहाँ पर मुझे एक एसेंडेंट टॉर्च मिल गई फ्री गिफ्ट से। तो थेरिजिनोसॉरस को टेम करने के लिए मुझे चाहिए होगा मेगालोसॉरस का केबल। तो मैंने इस तरफ एक थेरिजिनोसॉरस को देखा था, लेवल 55 का था, बहुत सारे थेरिजिनोसॉरस है वहाँ पर उनमें से जो सबसे ज्यादा लेवल का है वो है लेवल 55 का। और डोडोडेक्स ऐप के हिसाब से मुझे 55 लेवल के थेरिजिनो को टेम करने के लिए 20 मेगालोसॉरस का केबल चाहिए। तो मैं इतने नहीं लेने वाला क्योंकि मेरे पास उतने मिक्सेस नहीं है और एशियन टेम्पर भी नहीं है मेरे पास उतने, तो मैं ले पाऊंगा 9 केबल और 9 से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, 9 केबल बाय कर लिया मैंने और यहाँ पर मेरे मिक्सेस खत्म। मुझे थोड़े बहुत बायोटॉक्सिन भी लेने पड़ेंगे, 64 काफी रहेंगे। तो मैं टेरानोडॉन को लेके जाऊंगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उसे कैसे टेम करने वाला हूँ इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर टोटल 4 थेरिजिनोसॉरस है और इनमें से ये ब्लू वाला सबसे ज्यादा लेवल का है, इसका लेवल है 55, ये रहा 55 लेवल का। तो मुझे दूसरों को मारना पड़ेगा, मारना शुरू करते हैं। दोनों आ गए एक साथ। ओके, एक तो मर गया, इससे मुझे प्राइम मीट मिल गए और ये भी मर गया। तो इन दोनों को तो मैंने मार दिया और एक वहाँ पर दूर है तो उसे मारने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैं इस ब्लू वाले को एक बार मारता हूँ ताकि ये मेरे पीछे आए। ओके, आ रहा है पीछे। तो मेरा प्लान है इसे यहाँ पर फंसाने का, मुझे नहीं लगता ये यहाँ पर चढ़ पाएगा। ओके, नहीं लग रहा है इसका निशाना, तो मैं यहाँ से इसे मार पाऊंगा। ओके, ये भाग रहा है, यही दिक्कत होती है जब आप ट्रैप नहीं बनाते। मुझे नहीं लगता ये ऐसे बेहोश होने वाला है। ओके, पत्थर में अटक गया शायद। ओके, बेहोश हो गया लेकिन पत्थर के अंदर चला गया ये, तो मुझे ये पत्थर तोड़ना पड़ेगा। तो इसका अनकॉन्शियसनेस बहुत जल्दी कम होता है, तो इसे मैं थोड़े बहुत बायोटॉक्सिन दे देता हूँ अभी। इसका कलर वैसे बहुत ही बढ़िया है, मैं अगर चाहता था तो इसे ट्रैप बना के भी कैद कर सकता था, पर उतना झंझट किसको लेना है यार। ओके, इसका अनकॉन्शियसनेस फिर से कम हो रहा है, तो मुझे फिर से बायोटॉक्सिन देना पड़ेगा इसको, मतलब खिलाना पड़ेगा इसको। और गाइस, पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भर ही दिया टीरेक्स, मतलब इतने टीरेक्स के कमेंट यार, तो मैंने सोचा आप लोगों का ये चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा, अगर गाइस इस वीडियो में 350 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में श्योर टीरेक्स को टेम करूंगा। वैसे मुझे लगता है मैं बहुत बार मरूंगा, लेकिन गाइस ट्राई करेंगे कि टेम हो जाए। और कम लेवल का तो मैं टेम नहीं करूंगा, मीडियम लेवल का चलेगा मुझे, लाइक के लिए कुछ भी। बायोटॉक्सिन बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, इसका अनकॉन्शियसनेस बहुत जल्दी कम होता है। ओके, इसका जेंडर मेल है और टेमिंग इफेक्टिवनेस तो 100% है इसका, इफेक्टिवनेस सही बोला मैंने शायद। तो टेम होने के बाद इसका 27 लेवल बढ़ जाएगा, तो 82 लेवल का होगा ये। वैसे बायोटॉक्सिन कम तो नहीं पड़ने वाले क्योंकि यहाँ पर 46 है, जिससे काम चल जाएगा मेरे ख्याल से। और पिछले वीडियो में मैंने ग्राफिक क्वालिटी एपिक करके रखा था, मैं थंबनेल के लिए फोटो खींचने के बाद चेंज करना भूल गया था, जिसकी वजह से इतना लैग हो रहा था पिछले वीडियो में। अभी मैंने ग्राफिक्स क्वालिटी थोड़ी कम कर दी है, जिसकी वजह से लैग नहीं हो रहा। ओके, तो गाइस इसका 500 से ज्यादा फूड घट चुका है, मैं सोच रहा हूँ उसको किबल देने के लिए थोड़ा बहुत बायोटॉक्सिन खिला देते हैं, और अब मैं इसको दे देता हूँ किबल। ओके, 12%, 25, 38, 51%। और यार मेरे पास एक स्मूथिंग बाम था, मुझे अब याद आया स्मूथिंग बाम के बारे में, जो कि मुझे फ्री गिफ्ट से मिला था। मैं सोच रहा था इसको खिलाने के लिए, पर मैं भूल चुका। मैं अगर चाहता था तो यहाँ से भी स्मूथिंग बाम खरीद सकता था 10 एम्बर के बदले में, लेकिन ये है सिर्फ 3 गुना स्पीड का, मेरे पास जो है वो 10 गुना स्पीड का था। यार सब भूलते रहता हूँ मैं। वैसे 4 केबल से ये 50% टेम हो चुका, तो मैंने सही किया 9 केबल लेके। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बायोटॉक्सिन कम पड़ेंगे, 19 बायोटॉक्सिन है सिर्फ। तो गाइस मुझे लगता है कि इसे और दो बार खाना पड़ेगा, हाँ और एक बार। और यहाँ पर मेरे पास है 5 बायोटॉक्सिन्स, सच में इसका अनकॉन्शियसनेस बहुत जल्दी कम होता है और इस पे बायोटॉक्सिन का ज्यादा असर भी नहीं होता। और मैंने अभी अभी देखा कि थेरिजिनोसॉरस के सैडल के लिए हमें 40 इनग्राम पॉइंट्स चाहिए और मेरे पास है सिर्फ 11, तो बहुत ही बढ़िया, मैं इसका सैडल नहीं बना सकता। अब मैं टैनरी से खरीद पाऊंगा या नहीं ये मुझे देखना है। ओके, तो गाइस लास्ट बायोटॉक्सिन बचा है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इसको खिलाने की जरूरत पड़ेगी, पर इसको मैं रख के भी क्या करूंगा, तो खिला देते हैं इसको और हमारे पास एक केबल बच जाएगा। ओके, तो टेम होने वाला है। ओके, हो गया, तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करवाता हूँ। इसके सेटिंग्स हम लोग बाद में चेंज करेंगे, पहले मुझे बेस में जाके इसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि ये बेस में चला आए। लेकिन यार मैं उसके इन्वेंटरी से केबल निकालना भूल गया, वैसे एक ही केबल था, तो मुझे टेम्स पे जाना है और यहाँ से ढूंढना है मुझे थेरिजिनोसॉरस, ये रहा लेवल 82 का, तो इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करना है एक्सेप्ट।
और बस वेट करना है थोड़ा सा। ओके तो ये आ गया। वैसे गाइस अगर आप इसे किबल के बिना टेम करो तो आप इसे क्रॉप्स के मदद से टेम कर सकते हो, जो फार्मिंग की चीजें होती है, रॉक कैरेट, सैपरूट। ओके तो अब मुझे जाना है टैनरी पे। तो थेरिजिनोसॉरस का सैडल बनाने के लिए मुझे 220 की चाहिए, तो मैं यहाँ से भी नहीं बना सकता। तो गाइस मैं आज एक और काम करने की सोच रहा था, इस एपिसोड को थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए आज मैं बनाने वाला हूँ माइंड वाइप टॉनिक। तो ये है माइंड वाइप टॉनिक की रेसिपी, और ये मिलता है डायनोस के बॉडीज से। तो इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला हमें चाहिए 8 कुक्ड प्राइम मीट, पहला वाला ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आप ये टॉनिक खाते हो तो आपके सारे इंग्रम पॉइंट्स फिर से रिसेट हो जाते हैं, मतलब अब तक आपने जितने भी सामान यहाँ पर खोला होगा सब मिट जाएगा, लेकिन उनका पॉइंट आपके पास वापस चला आएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। नहीं फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा तो देखते रहो, आप लोग खुद ब खुद समझ जाओगे। तो प्राइम मीट मुझे जल्दी से जल्दी कलेक्ट करके कुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है। वैसे मैं प्रिजर्वर बीन बना सकता हूँ, ये मीट को स्पॉइल होने से थोड़ा रोकता है। इसको बनाने के लिए मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, तो मैं पहले प्रिजर्वर बीन बना लेता हूँ, फिर जाऊंगा प्राइम मीट कलेक्ट करने। ओके तो सारी चीजें आ गए मेरे पास, तो बना लिया मैंने एक प्रिजर्विंग बीन। तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ कुकिंग पॉट के पास यहाँ पर। तो इसको चलाने के लिए हमें स्पार्क पाउडर की जरूरत पड़ती है। मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट बना रहा हूँ इसे, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पार्क पाउडर है। ओके तो गाइस अब मैं टेरानोडॉन को लेके चलता हूँ प्राइम मीट कलेक्ट करने। सो हाय गाइस, और ये है अगला दिन, और आज मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस गेम की। ऐसा नहीं है कि प्राइम मीट ढूंढते ढूंढते सारा दिन निकल गया, लेकिन बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम। और मैं जितने प्राइम मीट कलेक्ट कर रहा था उनमें से 30% तो स्पॉइल ही हो जाते थे, कुक करने से पहले ही स्पॉइल हो जाते थे। और गाइस आप लोग इस रेसिपी की बात कभी मत सुनना, ये रेसिपी एकदम बेकार है, क्योंकि इस रेसिपी में जो भी लिखा है सब अलग हिसाब से लिखा हुआ है, ये मुझे गूगल करने के बाद पता चला। तो मैंने यहाँ पर देखा 20 हैंडफुल ऑफ मेजो बेरीज। मैंने पहले सोचा था कि 20 स्टैक मेजो बेरीज कलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए मैंने गूगल पे सर्च किया और तब मुझे ये रेसिपी दिखी, जो कि असली रेसिपी है। तो अगर आप लोग इस रेसिपी से बनाओ तो ही ज्यादा आसानी से बना पाओगे। तो जल्दी से इस रेसिपी को फॉलो करके हम लोग माइंड वाइप टॉनिक बनाते हैं। तो पहली चीज है 24 कुक्ड प्राइम मीट, और मेरे पास है 23, एक कम पड़ गया मेरे पास, तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा प्राइम मीट कलेक्ट करने। 24 ही बनने वाले थे लेकिन एक स्पॉइल हो गया। और गाइस टेरानोडॉन की इन्वेंटरी देखो आप लोग, पूरी मीट से भरी हुई, और इतने सारे प्राइम मीट मैंने कलेक्ट किया है, ज्यादातर एलोसोरस और आर्जेंटिविस को मारकर, स्टेगो और कार्नो को भी मारा था मैंने, और यहाँ पर एक कार्नो। ओके मर गया, तो इससे मुझे मिलना तो चाहिए। ओके मिल गए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से प्राइम मीट लेते हैं और इसको जल्दी से कुक कर लेते हैं। तो मेरे पास 25 आ गए, और इन्हें फिलहाल के लिए तो प्रिजर्विंग बिन में ही रखते हैं, नहीं तो स्पॉइल हो जाएगा। तो सेकेंड जो चीज मुझे चाहिए वो है 200 मेजोबेरीज, मेजोबेरी मेरे पास बहुत सारा है। तो तीसरी चीज हमें चाहिए 72 नार्कोटिक, नार्कोटिक तो पूछो ही मत, इतना भर भर के है। तो इसके बाद हमें चाहिए 72 स्टिमुलेंट ऐसा ही कुछ। ओके तो स्टिमुलेंट खुलता है लेवल 11 पे, तो ये बनेगा मोर्टल एंड पेस्टल में, यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत बना के रखे हैं पहले से। इसके लिए बस हमें स्पार्क पाउडर चाहिए, और स्पार्क पाउडर के लिए हमें फ्लिंट और स्टोन चाहिए, और हाँ स्पार्क पाउडर के साथ हमें स्टीम बेरी भी चाहिए होगी। 2 स्पार्क पाउडर और 5 स्टीम बेरी से बनता है एक। ओके बन गए 72, तो इनको भी रख देते हैं कुकिंग पॉट में। अब मुझे चाहिए 20 रेयर मशरूम और 20 रेयर फ्लावर, जो की मॉइस्चर भी कलेक्ट करते हैं और बीवर डैम से भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे रेयर मशरूम है, 20 लेना है मुझे, और यहाँ से 20 रेयर फ्लावर, तो दोनों को रख देते हैं यहाँ पर। अब मुझे वाटर चाहिए होगी, तो वाटर मुझे फिल करके इसमें लाना पड़ेगा। अब इसको मुझे कुकिंग पॉट में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुक्ड प्राइम मीट को भी रख देते हैं लाइट फायर। ओके यहाँ पर बनना शुरू हो गया, तो एक मिनट हमें वेट करना है। ओके तो यहाँ पर बनने वाला है ये। ओके बन गया। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत और इतने प्राइम मीट कलेक्ट करने के बाद ये बन गया। तो अब मैं इसे खा के देखता हूँ क्या होता है खाने से। ओके तो सिप यहाँ पर, आर यू श्योर यू वांट टू माइंड वाइप, इट विल रीसेट ऑल ऑफ योर स्ट्रेस एंड इनग्राम। तो मुझे लगता है इसे खाने से हमारे लेवल्स भी रीसेट होते हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं इसको। लेवल 1 का हो गया मैं, लेकिन गैस यहाँ पर 64 लेवल लगा सकता हूँ मैं किसी पर भी, तो मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। और गैस यहाँ पर इनग्राम पॉइंट जो है वो आप 0 देख पा रहे होंगे, मैं अभी देख के डर गया था थोड़ा सा। फिर मुझे समझ आया कि लेवल लगाने के बाद इनग्राम पॉइंट्स मिलते हैं, तो मुझे पहले ये सब लेवल्स लगाना पड़ेगा अपने बॉडी में, फिर जाके मुझे इनग्राम पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं जल्दी से सेट कर देता हूँ सब। ओके तो गाइस मैंने कुछ इस तरह से सेट किया है, मुझे लगता है मैंने ठीक ठाक किया है। तो करते हैं लेवल्स को अप्लाई।
यहाँ पर मेरा हेल्थ बहुत ही घट गया क्योंकि मैंने अभी अभी लेवल अप किया है और हेल्थ में मैंने ज्यादा लेवल्स लगाए थे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास 1320 एनग्राम पॉइंट चले आए, तो अब मैं इसे काम की चीजों पर लगा सकता हूँ और मैं ये करने वाला हूँ ऑफलाइन। और गाइस यहाँ पर आप लोग स्मिथी में देख सकते हो सब गायब हो गए, इन सब को छोड़कर ये तो ब्लू प्रिंस है। तो मेरे प्लेयर ने अभी तक जो जो सीखा एनग्राम से वो सब भूल गया। और यहाँ पर मोर्टल एंड पेस्टल में भी कुछ नहीं है और आप यहाँ पर क्राफ्टिंग्स में भी देख सकते हो। तो मैं पहले एक थेरिजिनोसॉरस का सैडल खोल लेता हूँ। ओके, मैं इतनी देर से थेरिजिनोसॉरस का सैडल खोलने के लिए ये सब कर रहा था और इसका सैडल खुलता है 69 लेवल पे। वैसे फिर भी कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इनग्राम पॉइंट्स चले आए और इनको मैं काम की चीजों पर यूज कर सकता हूँ। तो गाइस मैं सोचा आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं। आज हमने एक थेरिजिनोसॉरस टेम कर लिया लेकिन इसका सैडल नहीं खोल पाया मैं, और हमने एक माइंड वाइप टॉनिक पी लिया जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इनग्राम पॉइंट्स मिल गए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, लाइक एम है 350 लाइक्स का। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। आरके।